दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही कमाल के मोबाइल वीडियोग्राफी टिप्स करने वाले हैं, जो कि हम लोग फ्यूचर में हमेशा करने वाले हैं। ये एपिसोड हमने हमारे चैनल पर पहली बार डाला है, तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो जरूर से सपोर्ट करना। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले टिप्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो वीडियो बता देता हूँ, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखना। शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहली वीडियो एंड टिप से। तो सबसे पहले हमें कोई ऐसी जगह ढूंढ लेनी है जहां से सामने से सनलाइट आ रही हो, और आपके मॉडल के नीचे से आप लो एंगल से शूट करना स्टार्ट करो। तो हमें लो एंगल से स्टार्ट करना है शूट करना, और हमें परछाई के अंदर ही रहना है मॉडल के। फिर बाद में लो एंगल से अपर एंगल तक कैमरा को लेके आना है, और मॉडल को बोलना है थोड़ा पीछे देखे। तो पीछे देखे तभी आपको एकदम से राइट एंगल में चले जाना है। तो आपको ऐसे कुछ शूट कर लेना है। हमें इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से शूट करना है, और सनलाइट सामने से आनी चाहिए, और आपके मॉडल को सन के पीछे रखना है। फिर बाद में तभी आपको सिनेमैटिक लुक आने वाला है वीडियो के अंदर। और दोस्तों हमें शाम के 5 बजे से 6 बजे तक के अंदर शूट कर लेनी है, क्योंकि तब सनसेट हो रहा होता है और बहुत ही कमाल की सिनेमैटिक लुक आती है वीडियो के अंदर। और दोस्तों ये थी हमारी पहली टिप, जो कि थी सिनेमैटिक वीडियोग्राफी के ऊपर। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे टिप की तरफ। तो सबसे पहले इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। शिक्षा मिल रहा जिसको उसको बेटा पढ़ने का नहीं, पढ़ ले पहले बाप से आके लड़ने का नहीं, गलत रास्ते को चुन के आगे बढ़ने का नहीं। तेरी सोच है खोट, पहले दिखता नोट, म्यूजिक बनाते साले करे प्रमोट, फिर भी रिमोट तेरे भाई के हाथ में, आजा पिक्चर दिखाऊंगा तू बैठ जा साथ में। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड टिप की तरफ। तो इस वीडियो को भी हमें सनसेट होने के टाइम पे ही शूट करना है, ताकि आपकी वीडियो में सिनेमैटिक लुक आ सके। दोस्तों इस वीडियो को शूट करने के लिए हमने कुछ इस तरह के गैजेट को यूज़ किया था, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये गैजेट हमने घर पर ही बनाया, अगर आपको भी बनाना है तो आप आपके पुराने सामान को यूज़ करके बना सकते हो। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा, कमेंट में ज़रूर बता देना। दोस्तों आप इसका यूज़ करके बहुत ही स्टेबल वीडियो शूट कर सकते हो, जैसे कि आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ के अंदर। तो मैं आपको जो भी वीडियो बताता हूँ वो मैं इसके अंदर ही शूट किया था। ये तो डेमो वीडियो बता रहा हूँ, जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों इस वीडियो को शूट करना बहुत ही सिंपल है, सीधे सीधे आपको कैमरा लेके आना है और मॉडल के सीने के ऊपर लगा लेना है, फिर वहाँ पर पॉज करके हमें पीठ के ऊपर ले आना है, फिर स्टार्ट करके वापस से वीडियो शूट कर लेना है। दोस्तों इसमें ध्यान ये रखना है कि हमें बहुत ही सही टाइम पर शूट करना है। ये वीडियो हमने 5 बजे के दौरान शूट किया था। दोस्तों जब सनसेट हो रहा हो तभी आपको शूट कर लेनी है इस वीडियो को, और बहुत ही अच्छी लुक आ रही है वीडियो में, आप देख रहे होंगे। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं टिप 3 की तरफ। ये कोई टिप नहीं है दोस्तों, ये वीडियो एडिटिंग है। और दोस्तों ये टिप 3 मेरी बहुत ही फेवरेट है, तो आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको टॉप 3 में से कौन सा वीडियो ज्यादा पसंद आया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओ कुछ ऐसा कर कमा के तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूं फिलहाल, मैं किसी और का हूं फिलहाल के तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूं फिलहाल। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 3 वीडियोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अगर आपको इन सारे टिप्स के अंदर से आपको जो भी वीडियोग्राफी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, ताकि मैं उसके ऊपर रिसर्च करके आपके लिए बहुत सारे कुछ इस टाइप के वीडियोस लाता। दोस्तों आई होप आपको इस वाले वीडियो में से कुछ नया जानने को मिला होगा और नया सीखने को मिला होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना टॉप 3 वीडियोग्राफी में से आपको कौन सी पसंद आई, और तीसरी टिप थी जो वीडियोग्राफी एडिट की थी। तो दोस्तों आपके लिए मैं वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ इस चैनल पर,
तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर करके रखना, और अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स में, तब तक के लिए बाय बाय।